बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। अगर आपके पास भी पैसे प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है बट आप काफ़ी समय से बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आज मैं इस प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने वाला हूं। तो इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचे। और माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच, आपके लिए फिर ज़बरदस्त वीडियो के साथ आ गया हूं। तो अगर आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं आपसे सिर्फ दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। नंबर एक ये है कि अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में पैसे नहीं है ये अच्छी बात है या फिर पैसे होना अच्छी बात है, सबसे पहले ये आपको डिसाइड करना होगा। तो मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है कमेंट्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से पैसे ना होना अच्छी बात है बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, एक आप जॉब करते हो काफ़ी समय से और काफ़ी समय से जॉब करते करते आपने क्या किया, 10 साल तक जॉब किया, कठिन परिश्रम करने के बाद 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये हर महीने में सेविंग करके आपने कुछ 1 लाख या 1.5 लाख रुपए या 75,000, 70,000, 10,000, 5,000 जो भी आपने इकट्ठा किया आपके पास वो सेव है। आपके क्या दिमाग में ख्याल आया कि हमें बिजनेस करना चाहिए और वो पैसा उठा करके आप बिजनेस में लगाया और आपको हो गया लॉस। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो, बट जब लॉस हो जाता है, अब लॉस होने के बाद क्या होता है, आदमी का सारा कितने दिन की पिछले दिन से जितना भी स्ट्रगल करके उसने एक एक पैसा जोड़ा था सारा पैसा चला जाता है। तो इस परिपथ से मैं कहता हूं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और प्रेजेंट टाइम में आपके पास पैसे नहीं हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है एक बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए और बिजनेस करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, अगर एक रोड के किनारे बहुत ही गरीब आदमी जूता सी रहा हो और उससे जाओ पूछो कि सर मुझे आज की डेट में 1000 रुपये चाहिए, आपसे उधार चाहिए, आपके जानने वाला हो, पड़ोसी हो, लेकिन रोड के किनारे जूता सीता हो, उससे जाओ और कहोगे तो वो 1000 रुपये आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ रियल में उसके पास 1000 रुपये नहीं होंगे। कितना भी सेव करता हो बट एक जूता सीने वाले के पास 1000 रुपये नहीं होंगे। बट एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, उस जूता सीने वाले ने एक ऐसे ही उसके साथ वर्क करने वाले ने एक बाटा एम्पायर खड़ा कर दिया। क्या उसके पास पैसे थे? नहीं थे। एक ऐसे आदमी के पास जो जॉब करता हो और जॉब ऐसी वैसी नहीं, सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये की जॉब करता हो और उससे अगर जा करके कहो कि सर मुझे 10,000 रुपये चाहिए, वो आपको देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि सैलरी का नियम होता है कि आपके पास 20 तारीख को ही आपका सारा पैसा, पिछला पैसा जो भी आपको मिलता है, ख़त्म हो जाता है। फिर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या किसी से उधार लेकर के वर्क चलाते हो। तो इस सिचुएशन में क्या किया, किसी ने जो है टाटा एंड सन्स, टाटा प्राइवेट लिमिटेड खड़ा कर दिया। पैसे नहीं थे इस वजह से इतना हाई लेवल पर उन्होंने खड़ा कर दिया ज़बरदस्त बिजनेस। एक नाम और आपको बताना चाहता हूँ, भावेश अग्रवाल का। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, जो प्रेजेंट टाइम में आप ओला सर्विस लेते हो, भावेश अग्रवाल कभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब करते थे। जॉब करते करते उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने क्या किया, एक पार्ट टाइम बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया ओला का, जो आज दुनिया का सबसे ज़बरदस्त बिजनेस है। और जबकि एक चीज़ मैं बता दूँ, खुद की गाड़ी उनकी एक भी ओला में नहीं लगी है, सिर्फ दूसरों की गाड़ी लगी है और दूसरों के द्वारा ही पैसा कमाया जाता है। बिजनेस का रूल्स होता है, बिजनेस का रूल्स अगर आप समझ गए आगे निकल जाओगे, अगर रह गए, अगर नहीं समझ पाए तो पीछे ही रह जाओगे। बिजनेस का रूल्स होता है, अपने पैसे से बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए। जो भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं अपने पैसे से कभी भी बिजनेस नहीं करते, वो सिर्फ दूसरों के पैसे से बिजनेस करते हैं। कोई भी एक जमीन थोड़ा सा पैसा लगाते हैं और आपको ये पता चलता है प्रेजेंट टाइम में फला जगह पर एक अपार्टमेंट सेल हो रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस सिर्फ मात्र 5 लाख या 7 लाख रुपए है और इतनी तारीख तक लिमिटेड है, बना नहीं होता है बट पहले से सेल होता है, लोग जल्दी जल्दी में बुक करवा लेते हैं और अपना कीमती पैसा उनको देते हैं और उसी पैसे से वो आपको एक फ्लैट बना करके दे देते हैं। आपको पता होगा, आपके पास एक जो है मेल आता है या फिर पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है कि फला गाड़ी इतनी तारीख को लॉन्च हो रही है, कितने लोग लेना चाहते हैं, 3 महीना 6 महीना पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है और लोग पहले मुझे मिले के चक्कर में जल्दी जल्दी से बुक करते हैं और अपना सारा पैसा उनको देते हैं। और वो बिजनेसमैन
अपने बिजनेस में उस पैसे को लगाते हैं और बदले में आपको कुछ समय बाद आपको वो गाड़ी दे दी जाती है, जिससे इसे कहते हैं बिजनेस। आपको अपना पैसा ना लगा करके दूसरों का पैसा लगाया जाए। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक गैराज में वर्क करने वाला आदमी, एक गैराज में वर्क करता हो और उससे कहो कि सर आपको मैं एक बिजनेस आइडिया देता हूँ और आप कुछ ही दिनों में अरबपति मिलियन मिलियनर बन जाओगे, आपको 100% वहाँ से भगा देगा, आपकी एक भी % रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन गैराज में आपने जेफ बेजोस का नाम तो सुना होगा, इन्होंने गैराज में वर्क करते करते प्रेजेंट टाइम में दुनिया का टॉप मोस्ट amazon.com खड़ा कर दिया। amazon.com आपको बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया, और इनके ओनर जो थे सिर्फ एक गैराज में काम करते थे और स्टार्टिंग में सिर्फ एक बुक सेल करने की एक वेबसाइट थी, और बुक सेल करने यहाँ से जब प्रॉफिट ज़्यादा होने लगा इन्होंने और भी धीरे धीरे प्रोडक्ट इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिए और आज दुनिया का टॉप मोस्ट ब्रांड बन चुका है। बिजनेस करना बहुत ही आसान है, मैंने एक वीडियो बनाया है, हमारे बिजनेस स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में जाओ देख सकते हो कैसे आप गांव में या विलेज में किस तरीके से बिजनेस कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप बिना पैसे के बिजनेस कर सकते हो। बहुत सारे दुनिया में ऐसे बिजनेस हैं जिनको सिर्फ आपकी आवश्यकता है, आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी आवश्यकता आपके पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। आपको मैं एग्जांपल के बता देता हूँ, गूगल पे नाम आपने सुना है, फोन पे आपके मोबाइल में नाम सुना है, पेटीएम आपके मोबाइल में नाम सुना है, जो भी इस पे आप ट्रांजैक्शन करते हो इसका फ्री ट्रांजैक्शन होता है। इसका रीजन जानते हो, बिजनेस सीक्रेट जानते हो, नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट्स ने क्या किया, UPI लॉन्च किया, जिसके थ्रू आप किसी को भी अगर पैसे ट्रांसफ़र करते हो भीम UPI, जिससे आपका एक भी % जो है ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं करता, वही थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन लिंक उसमें ऐड किया जाता है, और जिसके द्वारा आप कोई भी पैसा किसी को भी ट्रांसफ़र करते हो और आपको एक भी % का चार्ज नहीं देना पड़ता है, ये होता है बिजनेस। क्या होता है, बाद में धीरे धीरे गूगल पे मान लीजिए गूगल का एक ब्रांड है, बट बाद में फोन पे पेटीएम ऐसे बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म हाई लेवल पर पहुंच गए और देखते ही देखते काफ़ी सारा प्रॉफिट जनरेट कर लगे। अगर उसी पेटीएम की जगह पर नाम लिया जाए तो कुछ समय पहले सिर्फ एक पेटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज था, बट आज की डेट में वहां से आप टिकट्स बुक कर सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो, एनीथिंग कुछ भी कर सकते हो। तो शुरुआत आपकी एक छोटी सी चिंगारी एक नए दिन सोलह बन सकती है, भड़क सकती है। तो अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं तो इसे हर उस गरीब आदमी के पास शेयर कर देना, हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, हर उस फ्रेंड सर्कल के पास, फैमिली के पास शेयर करना जो भी बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस को आगे बढ़ना चाहता है। मैं कभी भी लोग मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली का ही सपोर्ट करता हूँ, ना तो अपर क्लास का सपोर्ट करता हूँ, ना तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन का सपोर्ट करता हूँ। अगर आप गरीब हैं दुनिया में तो आप के लिए अपॉर्चुनिटी है, गरीब मरना नहीं है, मरना है तो अमीर बन के मरना है, बट गरीबी को ख़त्म करके जाना है, अपने बच्चों को सपने को साकार करना है। इस चीज़ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ फिर किसी धमाकेदार वीडियो में। आप वो कर सकते हैं जो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता, तब तक के लिए नमस्कार।